दोस्तों, सोनू वालिया जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1986 में आई फिल्म शर्त से करी थी और दोस्तों इनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1988 में इनकी दूसरी फिल्म आई थी खून भरी मांग और दोस्तों फिल्म की लागत थी 1.76 करोड़ की। फिल्म ने दुनिया भर से कमाई करी 4.45 करोड़ और मेरे दोस्त इनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही की फिल्म आई थी आकर्षण और दोस्तों इसने कमाई 85 लाख की और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई क्लर्क और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई अपने देश पराये लोग और दोस्तों इसके बाद 1990 में इनकी फिल्म आई महासंग्राम। लागत थी फिल्म की 2.38 करोड़ की। कमाई करी इसने 3.20 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी हाथी ताई और लागत थी 1.90 करोड़ की। कमाई इसने 2.30 करोड़ और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी अग्निकाल और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई तेजा और लागत थी फिल्म की 1.53 करोड़ की। कमाई की इसने 2.30 करोड़ और दोस्तों यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी अंधेर गर्दी और दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1991 में इनकी फिल्म आई नंबरी आदमी और दोस्तों फिल्म की लागत थी 1.70 करोड़ की। कमाई की इसने 2.25 करोड़ और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी प्रतिकार और इसने कमाई दोस्तों 1.80 करोड़ की और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई रुपये 10 करोड़ और लागत थी फिल्म की 2 करोड़ और इसने कमाई 3.20 करोड़ की और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई स्वर्ग जैसा घर और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद आई जीवन दाता और दोस्तों यह तो फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी हक और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1992 में इनकी फिल्म आई निश्चय और लागत थी इसकी 1.75 करोड़ की। कमाई इसने 1.40 करोड़ और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई खेल और इसने कमाई 2.40 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी दिल आशना है और इसकी लागत थी 1.06 करोड़ की और इसने कमाई 1 करोड़ और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी तहलका और दोस्तों फिल्म की लागत थी 2.78 करोड़ की और इसने पूरी दुनिया भर से कमाई 10.25 करोड़ और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद 1993 में सोनू जी की फिल्म आई साइबान और दोस्तों फिल्म की लागत तो थी 1.04 करोड़ की और इसकी कमाई हुई थी 3.70 करोड़ और यह हिट हुई थी। इसके बाद 1994 में आई थी महाशक्तिशाली। लागत थी इसकी 1.30 करोड़ की। कमाई की इसने 2.49 करोड़ की और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1995 में सोनू जी की फिल्म आई जल्लाद। लागत थी दोस्तों इसकी 2.75 करोड़ की। कमाई इसने 8.03 करोड़ और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई फौजी और लागत थी फिल्म की 1.25 करोड़ और इसने कमाई 1.16 करोड़ और यह डिजास्टर हुई थी। इसके बाद 1996 में इनकी फिल्म आई यश। लागत थी फिल्म की 1 करोड़ और इसने कमाई मात्र 59 लाख की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 2001 में इनकी फिल्म आई कसम और दोस्तों लागत थी फिल्म की 1.75 करोड़ की। कमाई की थी इसने 2.40 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2008 में आई थी जय मां शेरावाली और दोस्तों इसने कमाई मात्र 4,75,000 और यह डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह था सोनू वालिया जी का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे जिससे दोस्तों आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।